हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल पर। आज 14 अगस्त 2019 है और आज के वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारी एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो जरूर डाउनलोड करें। वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत ही मोटिवेशनल पावरफुल थॉट के साथ। हमारा थॉट है कि अगर तुमने चमत्कार नहीं देखे हैं तो खुद एक चमत्कार बन जाओ। होता क्या, हम कहते हैं यार उसके फला के साथ तो देखो रातों रात चमत्कार हो गया, उसने ये प्राप्त कर लिया, उसके साथ वो हो गया है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा चमत्कार कैसे होता, तो उसके लिए खुद चमत्कार बनो। और खुद चमत्कार बनने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। आपको अपने सपनों को या जो डिजायर्स होती हैं उनको पाने के लिए आपकी जो विलासिताएं होती हैं उनको मारना पड़ता है। आपको खुद से लड़ना पड़ता है, खुद को जीतना पड़ता है। जो खुद को जीतता है वो दुनिया के लिए एक चमत्कार होता है। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे हम कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों के क्विक रिविजन की। पहला प्रश्न कि किस मंत्रालय के द्वारा किसी पुरुष के सिंगल पेरेंट होने की स्थिति में चाइल्ड केयर लीव के लिए मंजूरी दे दी गई है, और ये मंजूरी दी गई है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। दूसरा प्रश्न है कि कांगो गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये नियुक्त किए गए हैं घोटू राम मीणा जी। तीसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। और चौथा प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई की कौन सी जयंती मनाई जा रही है, तो इनकी 100वीं जयंती मनाई जा रही है। वहीं पांचवा प्रश्न है कि किस बैंक ने भारत का पहला स्वास्थ्य केंद्रित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया गया है RBL बैंक के द्वारा। और छठवां प्रश्न है कि अनुराग अदलखा किस बैंक के CFO बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं यस बैंक के CFO। वहीं सातवां प्रश्न है कि किस प्रदेश में आदिवासियों के लिए मुख्यमंत्री मदद योजना को लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश में। और आठवां प्रश्न है कि मोटर स्पोर्ट्स में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं, तो ये बन गई हैं ऐश्वर्या पिस्से। नवा प्रश्न है कि भारत के कौन से बल्लेबाज वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, ये विराट कोहली है। और पाकिस्तान के बल्लेबाज जावेद मियादाद का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। दसवां प्रश्न है कि किसने अपना पांचवा रोजर्स कप किताब जीता है, और ये राफेल नडाल ने जीता है। तो ये तो थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्न। बात करेंगे आज के करंट अफेयर के प्रश्नों की। और आगे बढ़ने से पहले मैं निवेदन करूंगा, वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक जरूर किया करें, पसंद नहीं करते डिसलाइक करें, बट अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और जो मेरे लाइक करने वाले साथी हैं उनसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करें। एक ग्रुप में आप शेयर करने की जिम्मेदारी ले लीजिए, बाकी जिम्मेदारी आपकी मैंने ली हुई है। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 को शुरू किया गया है, तो स्वच्छता सर्वेक्षण सॉरी 2020 को शुरू किया गया है, और ये 2020 स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू किया गया हरदीप सिंह जी पुरी के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए इनकी क्या है। तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी, और इन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की शुरुआत कर दी है, राइट। ये सर्वेक्षण कब से कब के बीच में होगा, तो ये सर्वेक्षण जनवरी फरवरी 2020 में आयोजित किया जाएगा। और इस बार होने वाला ये है कि इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन वाटर प्लस और इसके अलावा बहुत सारी एप्स को भी लॉन्च किया गया है, और कार्यक्रम स्वच्छ सर्वेक्षण एक विशेष गीत भी इसके लिए स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए जारी किया गया है। साथ में ये जो सर्वेक्षण होगा अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगा, यानी मोबाइल वगैरह का भी इसमें यूज किया जाने वाला है। हरदीप सिंह जी पुरी की बात कर लेते हैं, तो ये राज्यसभा सांसद हैं, और राज्यसभा का जो क्षेत्र है इनका उत्तर प्रदेश है। और आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दूसरा है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उनके द्वारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कौन सा देशभक्ति गीत जारी किया गया है, तो इस देशभक्ति गीत का नाम क्या है, तो ये है वतन, बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब इसकी डिटेल देख लीजिए कि क्या है ये गीत। तो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, और इन्होंने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देशभक्ति गीत वतन जारी किया है, और इस गीत को तैयार किया गया है दूरदर्शन के द्वारा। गीत को किसने गाया है, तो गीत के गायक है जावेद अली, और लिखा है आलोक श्रीवास्तव ने, संगीत दिया है दुष्यंत ने। अब प्रकाश जावड़ेकर जी की बात कर लेते हैं, तो प्रकाश जावड़ेकर जी राज्यसभा के सांसद हैं, राज्यसभा इनका क्षेत्र जो है महाराष्ट्र है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि तीसरा प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने मोटरसाइकिल पर यात्रा करते समय किस आयु से ऊपर के बच्चों के लिए हेड गियर यानी कि हेलमेट टाइप का जो होता है उसको अनिवार्य कर दिया है, और ये अनिवार्य कर दिया गया है 4 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, यानी कि बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए इसकी क्या है। तो केंद्र सरकार ने क्या किया है कि मोटरसाइकिल पर अगर आप यात्रा कर रहे हैं और आपके साथ 4 साल का बच्चा है, तो अब आपको हेड गियर अनिवार्य कर दिया गया है बच्चों के लिए हेलमेट टाइप का। और मोटरसाइकिल पर यात्रा करने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो सुरक्षा उपाय हैं, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 इसको शामिल किया गया है, और ये अभी हाल ही में राष्ट्रपति जी के द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई है, और काफी सारे अमेंडमेंट्स इसमें सड़क सुरक्षा को लेकर किए गए हैं।
चौथा प्रश्न है कि अलेजांड्रो जिया माटी इनको जो है किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, तो ये जो चुने गए हैं ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति चुने गए हैं, यानी कि सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब डिटेल देख लीजिए इनकी क्या है। तो अलेजांड्रो जिया माटी ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बन गए हैं और इन्होंने हराया है सैंड्रा टोरेस को। इसके अलावा किसका स्थान लेंगे, तो अभी वर्तमान में वहां के राष्ट्रपति हैं जिमी मोरालेस, तो जिमी मोरालेस का स्थान लेने वाले हैं। चलिए अब ग्वाटेमाला की कुछ जानकारी बता देता हूं, इसकी राजधानी क्या है, तो मैं ग्वाटेमाला सिटी राजधानी है। राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, अलेजांड्रो जिया माटेई, और मुद्रा क्या है, क्वेट्ज़ल है। मैप में लिए चलता हूं मैं आपको ग्वाटेमाला, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हमारा भारत है, और हमारे भारत से अगर ग्वाटेमाला जाना तो आप अफ्रीका को पार कीजिए, अटलांटिक महासागर को पार कीजिए, और अटलांटिक महासागर को पार करने के बाद आप यहां पर आप देखेंगे तो ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है ये है ग्वाटेमाला, मैक्सिको के जस्ट नीचे, राइट। ये ग्वाटेमाला है जिसकी राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है। आसपास कौन कौन से देश है, तो ऊपर तो मैक्सिको है, बाकी इधर देखेंगे तो बेलीज है, और नीचे देखेंगे तो अल साल्वाडोर है, और इधर होंडुरास है। यहां इसकी सीमा अगर आप देखेंगे तो गल्फ ऑफ मैक्सिको या कैरेबियन सी, इसको कैरेबियन सी कहा जाता है, कैरेबियन सी के साथ मिल जाती है, और इधर तो जो है प्रशांत महासागर लग ही जाता है इसके, राइट। ये ग्वाटेमाला है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है वो पांचवा है कि किस मोबाइल कंपनी ने स्वयं के ऑपरेटिंग सिस्टम हारमोनी ओएस इसका जो है अनावरण किया है, इसको लॉन्च किया है, तो ये जो सिस्टम लॉन्च किया गया है ये किया गया है हुआवे के द्वारा, राइट। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब क्या होगा ये, इसकी डिटेल देख लीजिए। तो चीन की दूरसंचार क्षेत्र की कंपनी है हुआई, और इसने स्वयं का ऑपरेटिंग सिस्टम अनावरण किया, जैसे एंड्रॉइड होता है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है अलग, आईओएस होता है आईफोन्स के लिए, तो इसने अपना अलग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, इसका नाम रखा गया है हॉन्ग मांग ओएस, और अंग्रेजी में इसका नाम है हारमोनी ओएस, तो अंग्रेजी नाम आपको याद रखना है। ये जो हारमोनी ओएस है ये भविष्योन्मुखी यानी कि फ्यूचर ओरिएंटेड एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होगा, एंड्रॉइड और आईओएस से पूरी तरह से अलग होगा, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए इसको अब दुनिया भर में ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म के रूप में जारी किया जाएगा, यानी ओपन सोर्स का मतलब था फ्री, इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, राइट। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की जो कि छठवां है कि भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, किन्हें बनाया गया है, तो ये बनाई गई है चंद्रिमा शाह, डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। इनकी डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो चंद्रिमा शाह इनको नियुक्त किया गया है भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान एकेडमी यानी कि इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, इसके पहली महिला अध्यक्ष के रूप में, और ये अपना कार्यकाल 2020 में संभालेंगी और स्थान लेंगी अजय कुमार सूद जी का, याद रखिएगा। अब भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की बात कर लेते हैं, तो ये अब जाना जाता है भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान एकेडमी के नाम से, पहले विज्ञान संस्थान के नाम से जाना जाता है जाता था। 7 जनवरी 1935 को कलकत्ता में स्थापना हुई थी, और वर्तमान में इसका मुख्यालय 1951 से नई दिल्ली में है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम सातवें प्रश्न की कि सऊदी अरब की तेल कंपनी है सऊदी अरामको, इसने किस भारतीय कंपनी में $75 अरब के निवेश की घोषणा की है, तो ये जो निवेश की घोषणा की गई है रिलायंस के लिए की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए इनकी क्या है। तो सऊदी अरब की तेल कंपनी है सऊदी अरामको, और इसने रिलायंस इंडस्ट्रीज में $75 अरब के निवेश की घोषणा की है, $75 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की इसके द्वारा घोषणा की गई है। सऊदी अरामको जो है वो रिलायंस के तेल और रसायन कारोबार की जो है 20% हिस्सेदारी अब खरीद लेगी। अब बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में है, स्थापना हुई थी 1977 में, धीरूभाई अंबानी जी ने इसकी स्थापना की थी, और वर्तमान में मुकेश अंबानी जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि आठवां प्रश्न है कि किसकी आत्मकथा लेसंस लाइफ टॉट मी अनोइंगली इसका विमोचन किया गया है, तो इसका जो विमोचन किया गया ये जो है अनुपम खेर की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, राइट। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब डिटेल लिख लीजिए इसकी क्या है। तो बॉलीवुड के अभिनेता हैं अनुपम खेर, आप सभी जानते हैं, इनकी जो आत्मकथा है उसका विमोचन किया ऋषि कपूर साहब ने न्यूयॉर्क में, और भारत के कॉन्सुलेंट जनरल में इसका जो है विमोचन किया गया है। इस पुस्तक में अनुपम खेर जी का जो जीवन है उससे संबंधित काफी सारे पहलुओं के बारे में चर्चा की गई है, चूंकि एक ऑटोबायोग्राफी है, राइट। अब बात करते हैं अनुपम खेर जी की। तो 7 मार्च 1955 को हिमाचल प्रदेश में के शिमला में जन्म हुआ था, और कश्मीरी पंडित परिवार से थे।
इनको अपने अभिनय के बल पर दो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, 8 फिल्मफेयर अवार्ड मिले हैं, पद्मश्री 2004 में और पद्म भूषण 2016 में दिया जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि नवा प्रश्न है कि किसने हैदराबाद ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है। तो ये खिताब जीता है सौरभ वर्मा ने, डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। इनकी डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो राष्ट्रीय चैंपियन है सौरभ वर्मा, इन्होंने हैदराबाद ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ इसमें पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है और 11 अगस्त को इस प्रतियोगिता में फाइनल में इन्होंने जो हराया सिंगापुर के लो किन यू को अपने जो है पराजित किया और ये खिताब जीता है। इसके अलावा भारत की एक जोड़ी है अश्विनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी की, इस जोड़ी ने भी प्रतियोगिता के महिला डबल्स की उप विजेता ये बन गई है, राइट। और सौरभ वर्मा के बारे में पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के धार जिले से ये है। दसवें प्रश्न की बात करेंगे कि इंग्लैंड के वंकिंगहम में 2022 में होने वाले हैं राष्ट्रमंडल खेल, और इस राष्ट्रमंडल खेल में किस खेल को शामिल करने का फैसला किया गया है। तो इन राष्ट्रमंडल खेलों में महिला क्रिकेट को शामिल करने का फैसला किया गया है, 24 साल बाद इसमें क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसकी डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो इंग्लैंड के वकिंगहम में होने वाले हैं 2022 में राष्ट्रमंडल खेल और महिला क्रिकेट को इसमें शामिल करने का फैसला किया गया है। इससे पहले 1998 में राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट को शामिल किया गया था लेकिन केवल पुरुषों की टीम ने इसमें हिस्सा लिया था और दक्षिण अफ्रीका ने इस स्पर्धा के अंदर स्वर्ण पदक जीता था। इस बार जो महिला क्रिकेट टीम को शामिल किया गया T20 इसमें जो है आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा जो लॉस एंजलिस के अंदर 2028 में ओलंपिक खेल होंगे उस ओलंपिक खेलों में इसको शामिल करने का भी प्रयास चल रहा है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि ओलंपिक खेल 2028 में इसको शामिल किया जा सकता है क्रिकेट को। अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल की, तो ये ब्रिटिश राष्ट्रमंडल यानी ऐसे देश जो कभी ब्रिटिश उपनिवेश रहे थे उन देशों का एक समूह है और इसके अंतर्गत आयोजित होने वाली प्रतियोगिता है जो हर 4 वर्षों में आयोजित होती है। पहली बार इनका आयोजन 1930 में हुआ था हैमिल्टन शहर ओंटोरियो प्रदेश से कनाडा के, वहां पर इसका आयोजन पहली बार हुआ था। ये था आज का हमारा वीडियो, मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता वीडियो को लाइक करें, पसंद नहीं आता डिसलाइक करें। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।